हे फ्रेंड्स, मैं हूं काजल। मैं हूं सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडियन मीडिया अबाउट डॉक्टर जाकिर नाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्ती मुकर्रम बारी मौलवी किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे? क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप कार्डिनल फादर किसी की हैसियत है कोई बोल दे? जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं, मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा। मैं एक सुनवा रहा हूं आप, हैसियत हो तो बोलिए, बहुत साफ कह रहे हैं वो, बहुत साफ कह रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके लोगों के द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है और कह रहा है वेयर एवर यू फाइंड काफिर, स्कोप नहीं छोड़ा इंटरप्रिटेशन का, इन ए ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए, दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते वो इस सूरह तौबा की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना एलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना एलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुला चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुला चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो, एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है, समझ रहा? तो ये कुरान के आयत है, तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते। और जहां भी जिहाद के आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते हैं गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है,
महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते आप ना, जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुजदिल कब से हो गया, ये गलत ख्याल तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से, बुजदिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उसे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा, अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा मैंने, कब का आप निकाल रहे भाई, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो, ये कहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को काफी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या, छोड़ते थोड़ी थे, ये गलत फहमी है, आप समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं, ये जंग के मैदान में। वाह, बहुत अच्छा वीडियो था। और स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से जो भी उस बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया वो आधा ही उन्होंने सुनाया। हाँ, मतलब उन्हें कोई क्लिप भेजी होगी किसी ने, तो वो आधी ही थी, मतलब पूरा बयान नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि किसी अरुण छोरी ने मतलब ये लिखी किताब उसमें ऐसा लिखा गया है, लेकिन कुरान में ऐसा लिखा गया है, लेकिन इनटू ब्रैकेट हिंदू नहीं लिखा गया। तो मतलब ये भी गलत फहमी है, और गलत फहमी ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि गलत फहमी अगर होती है तो बहुत झगड़े बढ़ते हैं। गलत फहमी इंसान इंसान में नहीं है, ये पूरे धर्म में है, दो बड़े धर्म के बीच, तो इसीलिए बहुत झगड़े बढ़ जाते हैं। और मतलब कोई ऐसी बातें जो है उसे थोड़ा सा क्लिप अगर आप लेंगे तो पर्सनली लिया जाता है उसे, और उससे ही बहुत झगड़े बढ़ते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और मीडिया तो इसे बहुत बढ़ावा देता है। हाँ। सबसे बड़ी इसमें जो मध्यस्थी है मीडिया की, ये मीडिया ही इसके मतलब 90% जिम्मेदार है
जो भी झगड़े हो रहे हैं इसके, क्योंकि वही जहाँ जहाँ जाकर झगड़े करवाता है और पूछता है सवाल ऐसे कि सामने वाले को चुप जाए और वो कुछ ना कुछ बोले अगले धर्म के खिलाफ। तो वीडियो सच में बहुत ही अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे।